चीन, जापान, यूएस समेत कई देशों में कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बाद भारत में चिंता बढ़ गई है। बीते दिन ही पता चला है कि भारत में ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट मौजूद हैं। चीन और अमेरिका में कहर बरपाने वाले वेरिएंट भी भारत में पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना की नई लहर को लेकर देश में चिंता बनी हुई है। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या आने वाले सप्ताह में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। अब सरकार के टॉप एक्सपर्ट ने बड़ा दावा किया है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने मंगलवार को कहा कि यहाँ वायरस बहुत है, लेकिन देश में इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। हमने अपने जीनोमिक निगरानी बढ़ा दी है और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हमने अब तक टेस्टिंग में जो कुछ पाया है उनमें हमें कोई नया वेरिएंट नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सीवेज का नमूना भी लिया गया है, लेकिन हमें आने वाले सप्ताह में कोई नया वेरिएंट या वृद्धि की संभावना नहीं दिख रही है। डॉक्टर एन के अरोड़ा ने आगे कहा कि भारत में हम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट देख रहे हैं उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। कोविड वेरिएंट पैर जमाने या संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बन पाए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यूरोपीय, उत्तरी अमरीकी और पूर्व एशियाई देशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि 29 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 के बीच किए गए 324 कोविड पॉजिटिव सैंपल की सेनेटल सीक्वेंसिंग से पता चला है कि इनमें सभी में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की मौजूदगी मिली है, जिनमें BA2, BA2.75, XBB.37, BQ1 और BQ.115 व अन्य वेरिएंट शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जिन क्षेत्रों में इन वेरिएंट का पता चला है वहां मृत्यु दर या संक्रमण का मामलों में वृद्धि की सूचना नहीं है। इसके अलावा XBB.11, BQ.11.12 और BF.7411 50 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के पॉजिटिव नमूनों में पाए गए हैं। मुख्य वेरिएंट थे जिनमें नमूनों का अब तक जीनोम अनुक्रमण किया गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।